क्या हो गया इब्राहिम? यहाँ पे खाना खाने आए हैं, सामने खाना पड़ा है, तुम फोन में घुसे हुए। I'm sorry, वो actually एक बहुत जरूरी मैसेज है, उसका रिप्लाई करो, बस डन। किसका है? लड़के का या फिर लड़की का? क्या मतलब है? इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क। अगर लड़के का मैसेज है तो कोई बात, लेकिन अगर लड़की को जवाब दे रहे थे तो ठीक नहीं। क्यों? फिर ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि लड़की का मैसेज है तो कोई मोहब्बत का मामला भी तो हो सकता है ना। मोहब्बत? मोहब्बत और मैं, मुझे तुम मोहब्बत से दूर ही रहना। क्यों? एक्चुअली इन्फैटुएशन और मोहब्बत दो अलग अलग चीजें हैं, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, यहाँ पर हर किसी ने इन्फैटुएशन को मोहब्बत का नाम दिया हुआ। बेसिकली इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। मेरी नजर में मोहब्बत कुछ और है। अच्छा, तो बताओ कि क्या है मोहब्बत, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे नजदीक मोहब्बत क्या है। पहले तुम बताओ। मेरी नजर में मोहब्बत जो आपको अच्छा लगे, जिसको पाने की आपका दिल ख्वाहिश करे, उसको हासिल करना ही मोहब्बत है। तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है तुम्हारी? तुम इसे कुछ भी कहो, लेकिन मेरे नजदीक तो यही मोहब्बत है। किसी को पसंद करने और किसी को हासिल करने में फर्क होना चाहिए। लेकिन अनाया की नजर में किसी को हासिल करना ही मोहब्बत, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं, मेरी नजर में ये मोहब्बत नहीं, अना होती है। और अना में आके अक्सर इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है कि मोहब्बत हासिल करने के बजाय उसे हमेशा के लिए खो देता है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज? यकीनन ये कहावत भी किसी अना पसंद नहीं गई, नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। एनीवे, हम मोहब्बत को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ खाना खाने आए थे ना, तुम ठीक कह रही थी, और तुम्हारी मोहब्बत की डेफिनेशन सुन के मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी।